धार के चिकलिया गांव में करीब 20 नकाबपोश बदमाशों ने एक घर को अपना निशाना बनाया। इस दौरान जैसे ही बदमाश अंदर दाखिल हुए, वैसे ही घर में सो रहे लोग जाग गए और हल्ला होने पर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। तभी बदमाशों ने अपने बचाव में ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों को घेर लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जिसे छुड़ाने के लिए बदमाशों ने भी ग्रामीण को बंधक बना लिया। ग्रामीणों को खुद पर भारी पड़ता देख बदमाशों ने अपनी बंदूक निकाल ली और फायर कर दिया। इसके बाद सभी बदमाश मौके से 9-2-11 हो गए। बता दें कि वहीं बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में धर्मेंद्र नामक एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है।